जब भी मैं इस एरिया में आता हूँ तो मैं सबसे पहले यहीं आता हूँ। हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल ट्रेवल्स के एक नए फूड ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ दिल्ली के कुछ मशहूर छोले भटूरे में से एक। हम लोग पीछे आप देख सकते हैं सीताराम दीवान चंद छोले भटूरे में। और आज हम लोग यहाँ आए हैं अपने फ्रेंड के साथ, और यहाँ आज हम लोग आए हैं टेस्ट करने यहाँ के मशहूर छोले भटूरे। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और ये फूड ब्लॉग को यहाँ पर शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि हम लोग आज आए हुए हैं सीताराम दीवान चंद छोले भटूरे पे। और यहाँ पे ये जो है यहाँ का छोला भटूरा पूरा दिल्ली में फेमस है, और इसके अलावा आपको देखो और जगह है जहाँ यहाँ दिल्ली के छोले भटूरे फेमस है। तो जैसे एक जगह है ये आपका सीताराम दीवान चंद, और ये आपको पहाड़गंज में लोकेटेड है। आपको यहाँ आने के लिए दो तरीके हैं। एक आप आ सकते हैं दिल्ली से, जो कि आप पहाड़गंज साइड से निकल के आप आ सकते हैं, आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको आर के आसन लगेगा पड़ता है, वहाँ से आपको 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, करीब 300 से 400 मीटर का डिस्टेंस है, जो कि आराम से 5 मिनट में कवर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आज। ऑलराइट, तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ का एनी टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर वो काफ़ी जो है रस मिल जाता है, काफ़ी भीड़ मिल जाता है। तो हम लोग ने जो अभी जो है यहाँ पर जो कैश काउंटर थी वहाँ से अपना टोकन ले लिया था, और ये जो टोकन हम लोग पड़ा था वो पड़ा था 150 का, यानी पर रिपोर्टर जो है हम लोग को 75 का पड़ा है। तो मैं बता दूं आप लोग को, वो टोकन हम लोग अभी आपको दिखाया था, वो टोकन लेके हम लोग को यहाँ पर ये चना काउंटर पे आना रहता है। यहाँ पर से हम लोग को ये छोले लेने रहते हैं, और फिर यहाँ से हम को छोले लेके जो है आगे जो है जो भटूरा का काउंटर है वहाँ से, यानी यहाँ से देख सकते हैं भटूरा काउंटर, यहाँ से हम लोग को भटूरा लेके चलना था। तो अभी पूरा अपना उन्होंने अपना थाली ले लिया और अपना चल रहा है अभी आगे खाने के लिए, और इसका रिव्यू आप लोग को आगे देते हैं आके। तो ये हैं हमारे पनीर वाले छोले भटूरे, पनीर वाले भटूरे। और छोले की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल पंजाबी छोले, बिल्कुल एकदम अलग ही स्वाद के, बिल्कुल क्रिस्पी साथ, और आलू वगैरह पड़ा है बढ़िया से, इसमें धनिया की चटनी वगैरह, सारे मिर्च मसाले सारे बिल्कुल बढ़िया मात्रा में, मिर्च वगैरह कुछ नहीं है, बच्चे भी आ रहा है आपके साथ में तो वो भी आराम से खा सकते हैं। साथ में आपको प्याज, बढ़िया से हरी मिर्च और मसाले वाला आम का अचार मिल जाएगा। टेबल पर ही आप खाते हो, टेबल पर भी आपको अलग से प्याज मिर्च अचार वगैरह मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं चाहते तो ले लीजिए। और चम्मच वगैरह भी है, चम्मच से अगर आप छोले वगैरह खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। छोले के टेक्सचर की बात जैसा मैं बता रहा हूँ, तो टेक्सचर जैसा आप छोले का देखेंगे बिल्कुल लाजवाब, एक नंबर का टेक्सचर आपको मिलेगा छोले भटूरे का। और ये हैं हमारे बढ़िया टेस्ट वाले पनीर भटूरे। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे कस्टमर और हैं जो यहाँ पे काफ़ी सालों से छोले भटूरे खा रहे हैं, तो इनसे हम एक बार यहाँ के फूड का टेस्ट का रिव्यू लेंगे। सर मैं करीबन 5 साल से खा रहा हूँ, मैंने काफ़ी नाम सुना था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद मैं फाइनली आया 5 साल पहले, और जब से मैंने एक बार खा के देखा, तो जब भी मैं इस एरिया में आता हूँ तो मैं सबसे पहले यहीं आता हूँ, पनीर के छोले भटूरे खाता हूँ, उसके बाद ही कुछ और काम करता हूँ। उसका टेस्ट आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया टेस्ट है, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया टेस्ट, मैंने ऐसा टेस्ट अराउंड अभी तक कहीं नहीं खाया। ओल्ड दिल्ली के जैसे कहते हैं, ओल्ड दिल्ली में भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो कोई बीट नहीं कर पाता। और तो अब हम लोग जो है बाहर आ चुके हैं छोला भटूरा ख़त्म करके, और हम लोग ने एक अच्छा छोला भटूरा भी लिया था क्योंकि उनको टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था। और हम लोग जो है अभी
यहाँ से चल रहे हैं, और इसका आप लोग यहाँ का हम लोग कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा था थोड़ा हम लोग के दूसरे चैनल के डी फूड ब्लॉग पे देख सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और उसका अगर मेरा एक्सपीरियंस बात करो तो मुझे यहाँ का छोला भटूरा काफ़ी पसंद आया, 85 रुपीज़ का था, टेस्ट वाइज भी और रुपीज़ वाइज भी जो है अमाउंट को जस्टिफाई करता है। और इसके अलावा इसके बाद मैं एक अलग से एक वॉक वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं यहाँ का जो कि सीताराम दीवान चंद का और फिर जो स्ट्रीट फूड मिलते हैं, जो स्ट्रीट पे छोले भटूरे मिलते हैं 30 रुपये 40 रुपये वाले, उससे कंपेयर करूँगा कि दोनों का टेस्ट वाइज कैसा रहता है, तो उसके वो बात मिलेगा हम लोग दूसरे चैनल के डी ब्लॉग्स पे। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।